Hello everyone, welcome back to KV classes. Now come to the point, and we will discuss about a very important topic, that is equipotential surface. Potential chapter का सबसे important topic कह सकते हो, क्योंकि theoretical properties आती हैं कुछ एक जो कि हर एक derivations में हम use कर सकते हैं, numerical में भी use होती है ये property. तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा, equipotential surface होते क्या है. इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम से मालूम चल रहा है, वैसे तो इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, इक्वल पोटेंशियल सरफेस यानी ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो या इक्वल हो. समझ रहे हो, एक ही बात है. तो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, पोटेंशियल इज सेम और इक्वल एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, सो सिंपल कि ऐसा सरफेस जिसकी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, कहीं भी एक पॉइंट हम चूज करें, दो पॉइंट चूज करें, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल होनी चाहिए. कुछ के एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा. पहला एग्जांपल आता है फॉर ए पॉइंट चार्ज. मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज मैंने माना, इस पॉजिटिव चार्ज को सेंटर मानते हुए, इस पॉजिटिव चार्ज को सेंटर मानते हुए इसके चारों तरफ एक स्फीयर ड्रॉ करना है, नॉट ए सर्कल, एक स्फीयर ड्रॉ करना है. ठीक है, ये एक स्फीयर मैंने ड्रॉ कर दिया. अब जरा देखिए, यहां मैंने एक पॉइंट लिया, कहीं भी पॉइंट आप ले सकते हो सरफेस के ऊपर. ठीक है, इन पॉइंटों की सेंटर से दूरी यानी चार्ज से दूरी क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर है. मान लीजिए आर है रेडियस, तो हर एक पॉइंट का सेंटर से, सेंटर वाले चार्ज से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है. और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें मालूम है कि वी का फॉर्मूला होता है ये, R डिपेंड करता है V पर. अगर R चेंज नहीं हो रहा है तो V भी चेंज नहीं होगी. क्लियर, तो हम कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? सेम. अब अगर मैं एक स्फीयर और ड्रॉ करता हूं इसके चारों तरफ, इस पर पॉइंट लेता हूं यहां पर, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बट इस स्फीयर पर जितने भी मैं पॉइंट लूंगा सेंटर से उनका रेडियस तो बराबर होगा ना. समझ रहे हो ना, तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया. छोटा लूंगा तो उसके भी पॉइंट सेंटर से बराबर बराबर दूरी पे होंगे, वो भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया. तो क्या समझे आप कि ऐसे सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, और पोटेंशियल सेम कैसे आती है? जब चार्ज से डिस्टेंस सेम होता है. ठीक है, तो इस तरीके के सरफेस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इसमें हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल देख सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद चार्ज एज सेंटर. सभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के लिए ये वाला चार्ज जो है सेंटर है, और
चार्ज एज ए सेंटर सभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएंगे, क्योंकि सबका डिस्टेंस बराबर बराबर होगा सेंटर से। ठीक है, आपस में कंपैरिजन नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपस में देखोगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। एक इंडिविजुअल स्फीयर को देखना है आपको, ठीक है, उसके हर एक पॉइंट पर देखोगे डिस्टेंस सेम है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर, ये था पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एक लीनियर चार्ज का। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं फॉर लीनियर चार्ज ये एक लीनियर चार्ज ले लिया मैंने और इसको एक्सिस मानते हुए मैंने क्या किया, एक सिलेंडर ड्रॉ किया। इसको एक्सिस मानते हुए मैंने एक सिलेंडर ड्रॉ किया, तो देखिए यहां पर पॉइंट, यहां पर पॉइंट, यहां पर, इधर इधर, कहीं भी यहां से चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस क्या है, बराबर है। अब जब डिस्टेंस बराबर है तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल भी सेम होगी, समझ रहे मेरी बात। तो ये सिलेंडर भी क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, किसके लिए, किसके लिए, लीनियर चार्ज। अगर मैं और ज़्यादा सिलेंडर यहाँ पे बनाऊँगा इस तरीके का, एक और सिलेंडर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो इसका ये पॉइंट यहाँ यहाँ ये सारे इक्वल होंगे, और अगर मैं छोटा बनाना चाहूँ तो छोटा भी बन जाएगा। तो सर्कल के अंदर, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, उसके अंदर और सिलेंडर, जितने भी हम सिलेंडर डाल दें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक बात फिक्स रखनी है कि जो चार्ज हमने लिया है वो एक्सिस होना चाहिए सबके लिए कॉमन। तो सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि एक्सिस से सबका डिस्टेंस बराबर बराबर होगा। यहाँ देखिए इस वाले सिलेंडर जो हमने लिया है, इसका एक्सिस से हर एक पॉइंट की दूरी बराबर बराबर होगी। यहाँ मानो, यहाँ मानो, यहाँ मानो, यहाँ यहाँ, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो हम लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर और भी ज्यादा आप इसमें सिलेंडर, कितने भी सिलेंडर आप ले सकते हो इसमें, विद लीनियर चार्ज एज एक्सिस आर इक्विपोटेंशियल। दूसरा एग्जांपल क्लियर हो गया। यार सीधी सीधी बात है, अगर आप ये याद भी ना रखना चाहो तो सिर्फ एक बात याद रखो कि ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। क्लियर। चलिए अब हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो डेफिनेशन की बात हो रही है अभी, अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स। तो पहले इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं हम। No work is done in moving a charge on equipotential surface. अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है equipotential surface के ऊपर, तो कोई भी work done उसके ऊपर लागू नहीं होगा। कैसे देखते हैं, मान लीजिए एक equipotential surface मैंने लिया, ये पॉइंट A है और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये पॉइंट भी है, इसको मूव करवाना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या वर्कडन हुआ? वैसे तो हम मानते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल होता है तो वर्कडन होता है, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है तो वर्कडन होता है, लेकिन यहाँ पर वर्कडन नहीं होगा। किस तरीके से प्रूव इट, तो चलिए देखते हैं।
आपको मालूम है कि यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होगी और यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होगी, डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल चेंज होगी। तो यहाँ की पोटेंशियल को मैं मान लेता हूँ वी ए और यहाँ की पोटेंशियल को मैं मान लेता हूँ वी बी। क्लियर? तो आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्कडन बाई ये वर्कडन डिवाइडेड बाई चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन, सॉरी इट्स डब्ल्यू अपॉन चार्ज क्यू। लेकिन आपको मालूम है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वी नो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल विल बी सेम, यानी वी ए इज इक्वल टू वी बी। इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगी, तो ये जब इक्वल है तो ये पूरा जीरो बन जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू क्रॉस मल्टीप्लाई डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। चार्ज पार्टिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चलते वक्त कोई भी वर्क डन नहीं करेगा, कोई चार्ज पार्टिकल। प्रूव इट, छोटा सा सिंपल सा सिर्फ एक फॉर्मूले से। क्लियर? चलिए इसको फील करते हैं एक और तरीके से। एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं देता हूँ, अगर आप इससे देखो पेपर में तो यही करके आना है, मैं आपको जस्ट समझाऊंगा कि वर्क डन जीरो और किस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए क्लियर, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लिया अभी अभी करवाया, यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट, ठीक है, ये क्यू चार्ज और ये मान लीजिए क्यू नॉट चार्ज एग्जांपल। तो ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, ठीक है, क्लियर? जैसी इस पर फोर्स लगी ये मूव किधर करेगा, अलोंग टेंजेंट सरफेस पर जब ये मूव करेगा, क्योंकि हम तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस पे जब ये मूव करेगा, जैसी इस पर फोर्स लगी ये मूव करेगा अलोंग टेंजेंट इस डायरेक्शन में। तो मान लीजिए डी एक्स डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। और एग्जाम्पल और कहीं देख लेते हैं, यहाँ पे मान लो पॉइंट है, तो ये फोर्स इधर लगाएगा, यहाँ पर एक चार्ज इक्वल, तो ये अलोंग टेंजेंट इधर जाने की कोशिश करेगा dx। तो कहीं भी देख लीजिए f और dx के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, कितना बन रहा है 90 डिग्री। और आपको मालूम है, ये आप प्लस वन में पढ़ के आ चुके हो, नाइन्थ में भी आपने पढ़ा है कि 90 डिग्री यानी फोर्स परपेंडिकुलर जब डिस्टेंस हो जाता है तो वर्क डन कितना आता है, जीरो। क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जब मैं वेक्टर फॉर्म खोलूंगा तो कोस 90, और कोस 90 क्या हो जाता है, जीरो। तो वर्क डन भी जीरो। तो उस तरीके एक फील करने वाली बात, अगर नहीं करनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेन ये है, सिंपल सी है, प्रॉपर्टीज है, डेफिनेशन से हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ गई होगी या नॉर्मल स्ट्राइक करेगी, परपेंडिकुलर एंगल है। तो किस तरीके से ये हो सकता है, प्रूव इट। तो वही मैं मेथड लूंगा यहाँ पे। मान लीजिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने लिया, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है ए बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सरफेस के साथ। ऐसा सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लाइक दिस या फिर लाइक दिस,
नॉर्मल, ऐसा टेढ़ा कर दिया तो ये हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो देखिए किस तरीके से मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाता हूँ। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक प्रीवियस लेक्चर में किया, यही मेरा मुद्दा था उस टॉपिक को करवाने का कि ये प्रॉपर्टी में यूज जरूर होगा। तो हमने किया था E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। मान लीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, डी आर डिस्टेंस ए से बी तक पॉइंट को मूव करवाने में, ठीक है, यहाँ एक चार्ज था उसको यहाँ से यहाँ मूव करवाया डी आर डिस्टेंस। तो जरा देखिए, यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डी वी इज इक्वल टू ई इंटू डी आर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और dv का मतलब क्या होता है, dv का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल dv का मतलब होता है va माइनस vb। क्लियर है? अरे क्लियर है या नहीं बच्चों, है हो गया होगा। और इक्विपोटेंशियल, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल दोनों पॉइंट पर क्या होगी, सेम सेम हो गया तो ये पूरा जीरो बन जाएगा और ये तो फिर प्लस वन में चले गए हम। किसी भी दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाता है तो क्या प्रॉपर्टी थी प्लस वन में, अगर दो वेक्टर का, दो फिजिकल क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी आपस में क्या है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस पर इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, इधर उधर सरफेस के ऊपर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर है? हेल्प तो उसी के लिए नहीं पड़ी, दूसरी प्रॉपर्टी में भी, ठीक है भाई, ये दूसरी प्रॉपर्टी का रिजल्ट हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इस पर क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज था, बताया था ना मैंने, और मैंने ये कहा था कि इस पर कितने भी आप स्फेयर बनाओ, आप कितने भी स्फेयर बनाओ, सेंटर इसी को मानना है, तो हर ये सारे के सारे क्या हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड, क्या होती है, आउटवर्ड होती है ना, कर चुके ना ये तो। ये देखो 90 90 90 90 90 90 हर जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, एंगल 90 देखने को मिलेगा हर जगह, एंगल 90। तो इक्विपोटेंशियल जितने भी सरफेस मैंने लिए थे इलेक्ट्रिक फील्ड उनके साथ 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ये एक एग्जांपल है पॉजिटिव चार्ज का। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। अरे अभी तो बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होंगे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएंगे, मतलब इस तरीके के। ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लिए मैंने जो कि परपेंडिकुलर एंगल बना रही है, ये देखो लाइक दिस बड़ा इजी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, पोटेंशियल किसकी ज्यादा होगी, पोटेंशियल किसकी ज्यादा होगी, किसकी पोटेंशियल कम। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है उधर पोटेंशियल डिक्रीज होती चली जाती है। अब देखिए जरा कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसका मतलब इधर कोई ना कोई तो सोर्स होगा जहां से ये निकली है, और जो सरफेस
सोर्स के ज़्यादा नज़दीक होगा वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये तो हमें मालूम ही है। इससे नहीं समझोगे अभी आप, इससे तो समझ जाओगे। ये देखो इनवर्सली जितना चार्ज, जितना सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस सोर्स के नज़दीक जाएगा पोटेंशियल बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे अगर 100 वोल्ट है तो यहाँ पे 80 वोल्ट, यहाँ पे 60 वोल्ट, यहाँ पे 40 वोल्ट, ऐसे डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी के बेस ऊपर कुछ क्वेश्चन थे, पूछे जाते हैं पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या प्लेन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, उस तरीके से पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कर तो तुम पहले ही चुके हो, कर चुके हो ना, कर तो तुम इसको पहले ही चुके हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी की थी उसमें भी ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टी थी कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उसी तरीके से ये आया है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बड़ा सिंपल सा है, आपको मालूम होना चाहिए। ये है वो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ये होगी परपेंडिकुलर, और इसकी परपेंडिकुलर ये होगी। ये मान लेते हैं ई वन, ये मान लेते हैं ई टू। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर पोटेंशियल की भी दो डायरेक्शन, एक ही पॉइंट पर, और एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल की डायरेक्शन, दो पोटेंशियल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती पोटेंशियल की, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन हो सकती है ना। और ये अभी करके आए हैं कि सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो सरफेस रखा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऊपर जा रहा है, ऐसे सरफेस रखा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है। एक ही पॉइंट पर दो फील्ड, एवर इम्पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो डाइपोल का। किसका? डाइपोल का। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे करवा चुका ये तो मैं पिछले तुम्हारे जो भी चैप्टर था इलेक्ट्रिक फील्ड का उसमें आपका हो चुका है। बढ़िया बनाना ये। पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव में एंटर करेगी, नेगेटिव में एंटर करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव में। ये तो गई। अब जरा देखिए, बीच में देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। ध्यान दीजिए, इसको अलग से समझाऊं, ये है जैसे मैं कहूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करो, तो ये प्लेन है ऐसा, इसका ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं कहूँ यहाँ पे ड्रॉ करो तो ये हो जाएगा, मैं कहूँ यहाँ पे ड्रॉ करो तो ये हो जाएगा, मैं कहूँ यहाँ पे ड्रॉ करो तो ये हो जाएगा, मैं कहूँ यहाँ पे ड्रॉ करो तो ये हो जाएगा, मैं कहूँ यहाँ पे ड्रॉ करो तो ये हो जाएगा। समझ रहे हो गया वकील यार। मैं कहूँ बीच में तो ये देखो, ये तो ये हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस सेंटर पे। थोड़ा इधर आओ, थोड़ा इधर आओ, थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा और इधर आओगे तो ये थोड़ा और तिरछा हो जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, थोड़ा और नज़दीक आओगे तो और हो जाएगा,
और नजदीक आओगे तो और गोलाई आ जाएगी, और नजदीक आओगे तो और गोलाई आ जाएगी। तो ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट। डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिमिलरली इधर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के नजदीक नजदीक है, यहां नजदीक नजदीक है, और जैसे ही बाहर जा रहे हैं ये खुलते चले जा रहे हैं। तो एक और प्रॉपर्टी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो ना, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग तो कहां होगी, चार्ज के नजदीक। जितना आप चार्ज के नजदीक जाओगे, मैं कहूँ लाइट सबसे ज्यादा तेज कहां होती है, अरे CFL यहां लग रही है, तो इसके नजदीक जितना मैं जाऊंगा उतनी रोशनी इसकी तेज होगी, दूर जाऊंगा रोशनी इसकी कम होती चली जाएगी। सेम वही काम, वही बात कि जब चार्ज के नजदीक आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो चार्ज के नजदीक जैसे जैसे इक्विपोटेंशियल आता जाएगा ना, क्या होती चली जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टू ईच अदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टू ईच अदर। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है ना, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, दूर दूर होते चले जाएंगे। ऐड कर सकते हो, बिल्कुल ऐड कर सकते हो, बुक में दे रखे, नोट्स में मिल जाएंगे आपको। मेन ये तीन प्रॉपर्टी थी आपकी कि कोई वर्क डन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मोस्ट हमेशा याद। तो आई होप पसंद आया होगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, थ्योरेटिकल था। स्केच के बारे में बात करो तो स्केच मैंने यहाँ पे तीन से चार बनाए, एक तो पॉइंट चार्ज का स्केच बनाया, फिर बात आई डाइपोल की, डाइपोल का ऐसा होता है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना, मैं फिर से करवा दूँगा। डाइपोल का हो गया, सिंगल पॉइंट का हो गया, प्लेन सरफेस का हो चुका। तो इस तरीके से स्केच भी पूछे जाते हैं और प्रॉपर्टी भी पूछी जाती है। आज के लिए इतना ही, कल और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, बहुत जल्दी चैप्टर खत्म होने वाला है, छोटा सा ये टॉपिक है, छोटा सा ये चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हो चुका है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से हम तीन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर चुके हैं, एक्सियल, इक्विटोरियल और एट एनी जर्नल पॉइंट। हमने फिर रिलेशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक है। उसके बाद हमने आज करवाया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल एनर्जी बची है आपकी इस टॉपिक में फॉर टू सिस्टम पॉइंट चार्ज और फॉर थ्री पॉइंट सिस्टम चार्ज। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कंसल्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच।